हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है UMI स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में हम जानेंगे IUCN के बारे में। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, पर्यावरण और जानवर की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। ये एक लिस्ट निकालता है, IUCN की लिस्ट, रेड डाटा लिस्ट। उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। बस आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन इसे बोलते हैं हिंदी में। यह है वल्चर, आम बोलचाल में इसे गिद्ध बोलते हैं, और यह है पेंगोलिन। देखो, अब यहाँ पर हम बात करें IUCN की, तो ये कुछ कार्य करता है नेचर के कंजर्वेशन के लिए, उसके बाद सतत विकास के लिए कार्य करता है, और कुछ ऐसी तैयार करता है ताकि पर्यावरण का नुकसान ना हो और जानवर बचे रहें। देखो, अब इसकी बात कर रहे हैं हम IUCN की। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में पर्यावरण के संरक्षण के लिए, और इसका वर्तमान में मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। देखो, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं IUCN की, तो IUCN एक लिस्ट निकालता है, रेड लिस्ट यानी रेड डाटा लिस्ट जिसे बोलते हैं, कुछ जानवरों की सूची तैयार करता है जो विलुप्त प्राय हैं। देखो, वर्तमान में अगर हम बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की, तो इसके अनुसार 37,400 से ज़्यादा प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा है। तो वर्तमान की भी बात कर रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा संख्या है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेड लिस्ट या लाल सूची की। देखो, IUCN जो रेड लिस्ट निकालता है उसकी शुरुआत हुई थी 1964 में। तो इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें जैसे पशु, उसके बाद कवक, पेड़ पौधे हैं, ये इनको शामिल करता है जो विलुप्त होने के कगार पर खड़े हैं। अब देखो, आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि इसकी ज़रूरत क्या है। देखो, इसकी बहुत ज़रूरत है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जानवरों के संरक्षण के लिए, उनकी प्रजाति को बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है चीज़ें क्लाइमेट चेंज करती है, और इससे नुकसान जो है वो इंसानों को भी भुगतना पड़ेगा, तो इसके लिए ये कार्य करता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं IUCN की बात कर रहे हैं, तो ये कार्य करता है, लाल सूची का निर्माण करता है। तो ये निर्माण कैसे करता है, तो इसके लिए आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये कार्य करता है एरिया के हिसाब से, वहाँ पहले जानवरों की कितनी आबादी थी, अभी वर्तमान में कितनी आबादी है, गिरावट, भौगोलिक सीमा और बहुत सारे इसके मापदंड होते हैं जिसके आधार पर यह रेड लिस्ट तैयार करता है और दुनिया को बताता है कि इस प्रकार से ये जो प्रॉपर कोई भी प्रजाति है वो खतरे में है। अब यहाँ पर IUCN के कार्यों की अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रेड लिस्ट तैयार करना इसका प्रमुख कार्य है। उसके बाद प्रकृति के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए ये कार्य करता है। IUCN के ये प्रमुख कार्य हैं। देखो, अब बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी कि कौन सा विलुप्त है, कौन सा विलुप्त, संकटग्रस्त, असुरक्षित, ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, विलुप्त विलुप्त वो प्रजाति है जो अब नहीं बची है, कहीं भी नहीं बची है। अब अगला जो पॉइंट है वो है वन विलुप्त। वन विलुप्त का मतलब है वो वनों में नहीं बची है, लेकिन कुछ संख्या में जो बच जाते हैं उनको संरक्षण के लिए किसी भी चिड़ियाघर में रखा जाता है ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। तो इसे हम बोलते हैं वन विलुप्त, वनों में लई नहीं है लेकिन संरक्षण के लिए रखा गया। घोर संकटग्रस्त वे प्रजातियां होती है जिन पर खतरा मंडरा रहा है, वो भी विलुप्त हो सकती हैं, तो ये घोर संकटग्रस्त प्रजातियां होती है। उसके बाद संकटग्रस्त होती है वे जिन पर विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं असुरक्षित की, वल्नरेबल जिसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो क्योंकि इंग्लिश में वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इंग्लिश में भी पूछा जाता है। देखो, वे जातियाँ जो संकटग्रस्त होने की संभावना है, जिन पर संभावना है संकटग्रस्त होने की, वो कहलाती है असुरक्षित। अब आगे बात करते हैं, कुल 8 प्रकार के विवरण हैं, तो ये 8ों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं संकट निकट, जिन पर संकट मंडरा रहा है, संकटग्रस्त होने की संभावना है, तो वह संकट निकट। उसके बाद संकट मुक्त, वे प्रजातियां जो संकट से मुक्त है, जिन पर कोई संकट नहीं है। अब आंकड़ों का अभाव, देखो ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनका पर भी ये संकट मंडरा है, लेकिन हमारे पास उसका प्रॉपर डाटा नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, तो ये आंकड़ों का अभाव भी होता है। देखो, ये जो 8 टाइप मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नाम से वैसे पता लगा सकते हो, विलुप्त, उसके बाद वन विलुप्त, घोर संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, असुरक्षित, उसके बाद संकट निकट और संकट मुक्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। देखो, मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद।